अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद रोथर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉल्स कैम्ब्रिज अलायंस परेपुरा श्रीनगर। सो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन स्फेरिकल मिरर्स एंड फर्दर दैट वी विल टेल अबाउट व्हाट आर कॉनकेव मिरर, व्हाट आर कॉन्वेक्स मिरर एंड After that, we'll discuss about image formation, image formed by concave and convex mirror. So, firstly, what is spherical mirror? Spherical mirror क्या होता है? तो पहले हम बात करेंगे spherical mirror होता क्या है? Spherical mirror, पहले definition के बारे में बात करते हैं. Spherical mirror is a cut piece of whole glass or whole is a cut piece. Spherical mirror is a cut piece of होल ग्लास। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये एक ग्लास का कट पीस होता है। तो पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में ये दो तरीके से हम कट यहाँ पहले हम पूरा स्फीयर लेते हैं। देखो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये दो स्फीयर्स में कट हो जाता है। फर्स्टली इट कट्स इनटू टू पार्ट्स एंड जो यहाँ से ये कट होते हैं और इसी का जो ये कट होता है दो तरीके से, इसी के बेस पर इसके टाइप्स भी हैं जो हैं कनकेव और कन्वेक्स। जो कनकेव मिरर होता है ये होता है बेंट इनवर्ड। जो यहाँ वाला ये वाला पार्ट है ये कनकेव मिरर है और जो ये वाला पार्ट है ये कन्वेक्स मिरर है। तो पहले कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर इज़ बेंट इनवर्ड। जो कनकेव मिरर होता है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और यहाँ से इसकी पॉलिश्ड सरफेस या सिल्वर कोटिंग कुछ भी करते हैं, पेंट वेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, यही से बाहर नहीं जाती क्योंकि बाहर से कोटिंग है। तो जो कनकेव मिरर होता है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो होती है आगे की तरफ और इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस होती है वो पीछे की तरफ होती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है कन्वेक्स मिरर के बारे में। जो कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर में हमने कहा कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से होती है? आगे वाले। तो यहाँ पर जो कनकेव मिरर होता है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से होती है, यानी कि ये डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, और जो कनकेव मिरर हो ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। जो कन्वेक्स मिरर इट इज़ बल्जिंग आउटवर्ड्स और इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस यहाँ से होती है और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर से होती है, और जब इस पर लाइट पड़ जाती है वो पास नहीं हो जाती, वो डाइवर्ज हो रिफ्लेक्ट हो जाती है लेकिन डाइवर्ज होती है, वो सीधे ना ही कुछ कहीं भी रास्ते से किसी भी रास्ते से जा सकती है। तो अगर आपको ये समझ आया होगा तो इसके बाद हम बात करेंगे So there are few terminologies that we need to know before we are going to study about image formation. पहले हम क्या बात करेंगे, क्या क्या होता है? पहले कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। अगर हम कनकेव मिरर को देखेंगे ये नहीं लगता है ये किसी स्फीयर से काटा गया है। अगर इसको थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, पहले जो आता है इसका जो सेंटर पॉइंट पूरे स्फीयर का होता है, पूरे मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, इसको सी कहते हैं। यानी सी अगर बोले हम तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ होल स्फीयर। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का इसके बाद अगर हम ये लाइन ड्रा करेंगे सर्कमफ्रेंस की ओर या इस बाउंड्री की ओर, कनकेव मिरर की बाउंड्री की ओर, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद जो ये लाइन आती है हम इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस इट्स द इमेजनरी लाइन दैट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट्स पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इसके बाद जो यहाँ पर जो सर्कल, अब जो ये कनकेव मिरर है, जो स्फीयर है, कट पीस है, इसका जो सेंटर है इसको हम कहते हैं पी से डिनोट करते हैं। पी बोले तो पोल। पोल क्या है? व्हाट इज पोल? इट्स द मिड पॉइंट ऑफ कनकेव और कन्वेक्स। इट द मिड पॉइंट ऑफ स्फीयर वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स। तो इसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बात की, प्रिंसिपल एक्सिस बात की या हमने पोल के बारे में बात की, इन दोनों के बीच में जो होता है बराबर डिस्टेंस पे होता है उसे कहते हैं फोकस, डिनोट करते हैं एफ से।
इसे कहते हैं फोकस। जो फोकस होता है ये जितनी डिस्टेंस पी से एफ तक उतनी ही डिस्टेंस एफ से सी तक होती है, ये बराबर मिड में होता है, इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, ये हमने सर्कल लिया, अगर इसका सेंटर पॉइंट, अगर इसको यहाँ से सर्कमफ्रेंस तक ड्रा करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। इस बात को यहीं पर छोड़ो, तो यहाँ पर भी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेडियस। यहाँ से सी से पी तक क्या है? रेडियस। यानी कि इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या है? इट इज द लीनियर डिस्टेंस, इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, पोल से फोकस तक जो लेंथ है, ये याद रखना हमेशा, सारी हम जो भी मेजर करते हैं वो हम पोल से मेजर करते हैं। तो जो फोकस, पोल से फोकस तक हम जो मेजर करते हैं, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, आर बाई टू, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और जो फोकस के बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये भी r बाई टू होती है, यानी कि जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है। और अगर हम रेडियस के बारे में बात करेंगे तो वो ट्वाइस फोकस है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक क्या है? फोकल लेंथ। तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनती है? ट्वाइस एफ। तो अगर आपको इसके बाद हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के और जाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें समझ आएंगे, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो पहले हम कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़ते हैं और इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर की। तो पहले कॉनकेव मिरर का जो पहला रूल है, पहले हम रूल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो पहला रूल क्या है? अगर हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस। तो पहला रूल क्या कहता है? अगर लाइन लाइट रे पैरेलल आई, अगर लाइट रे पैरेलल आई, इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल पास थ्रू द फोकस, इट रिफ्लेक्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट पास थ्रू द फोकस। पहला रूल क्या कहता है? इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू द फोकस, इट पासिस थ्रू द फोकस। तो दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है। तो दूसरा रूल क्या है? हमने कॉनकेव मिरर बनाया, इसको पीछे से पॉलिश किया, तो पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस डाला, यहाँ पर क्या है? पोल। यहाँ पर क्या है? फोकस। इसका उल्टा दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर लाइट रे आई फोकस से, अगर लाइट रे फोकस से आई, अगर लाइट रे फोकस से आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या कहता है? दूसरा रूल क्या कहता है? इफ द लाइट रे पासिस थ्रू फोकस, कम्स थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो तीसरा रूल इसके बाद है, तीसरा रूल ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा रूल क्या कहता है? अगर हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस भी हमने बात की पहले, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने बात की, पोल के बारे में बात की, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात की। तो अब बात करते हैं हम, तो तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है अगर लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ लाइट रे कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट कम्स बैक इन सेम वे एंड सेम डायरेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक इन सेम वे एंड सेम डायरेक्शन। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट आई रिफ्लेक्शन के बाद, वो उसी से वापस आएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो चौथा रूल क्या है इसके बाद इमेज फॉर्मेशन के लिए? चौथा रूल क्या है? अगर हमने यहां पर कॉनकेव मिरर बनाया, तीन रूल के बारे में हमने बात की है, प्रिंसिपल एक्स, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो तीसरा रूल क्या कहता है? अगर लाइट रे सीधे पड़ गई किस पर? पोल पर। पहले हमने क्या किया? अगर पैरेलल आई, उसके बाद अगर फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चौथा रूल क्या कहता है? अगर पोल पे लाइट रे गिरी, इफ द लाइट रे falls on the pole, it reflects back and forms same angle on the pole, that is angle theta, let it be angle theta or angle theta. If angle between principal axis and incident ray will be 30, then also angle between reflected ray is also 30.
तो होप आपको ये समझ आया होगा कि कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है और इमेज फॉर्मेशन रूल्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम इसके बाद हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, या इमेज कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर के में कैसे इमेज बनती है। तो वो हम दूसरे लेक्चर में बोलेंगे। तो इट वॉज ऑल टूडेज लेक्चर होल। सो थैंक्स।